22वीं सीनियर राज्य स्तरीय टेनिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए सतना जिले और सतना कॉर्पोरेशन की टीम रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि प्रतियोगिता 16 नवंबर से 18 नवंबर तक ग्वालियर के डबरा में खेली जाएगी। इस दौरान सतना के बालक बालिका की टीम भी प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आएगी। बता दें कि इससे पहले रत्नाकर चतुर्वेदी ने सिंधु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सतना के खिलाड़ियों को किट वितरण की। इसके साथ ही रत्नाकर चतुर्वेदी ने कहा कि खिलाड़ी खेल भवन से खेलते हुए अपने परिवार, देश और जिले का नाम रोशन करते हुए जीत हासिल करें। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि हमारे सतना जिले से टेनिस वॉलीबॉल के होनहार प्लेयर यहाँ से डबरा जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम सबको विश्वास है कि हमारा और अपने माता पिता का और इस जिले का नाम यह रोशन करके आएंगे। हालांकि इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में राजीव व्यास, स्पोर्ट ऑफिसर वाणिज्य महाविद्यालय अजय मिश्रा, एथलेटिक संघ सतना अशोक बसानी, मंत्री सिंधु नवयुवक समाज, दिनेश सेन थ्रोबॉल संघ पालक नंदा, प्राचार्य सिंधु स्कूल सतना, अबीर द्विवेदी थ्रोबॉल संघ समेत कई सीनियर खिलाड़ी मौजूद रहे। हालांकि राज्य स्तर पर प्रतियोगिता में चयन होने पर राजेश खूबचंदानी, प्रबंधक RRK इन्वेस्ट, मीना त्रिपाठी जिला क्रीड़ा निरीक्षक, SP तिवारी खेल एवं युवा कल्याण विभाग, अशोक पांडे, केशव यादव, विष्णु पांडे, बाबूलाल धीरेन्द्र सिंह, अरुण सिंह समेत कई सीनियर खिलाड़ियों ने बधाई दी। साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना भी की। वहीं टेनिस वॉलीबॉल सचिव संदीप टंडन और टेनिस वॉलीबॉल कॉर्पोरेशन सचिव रवि द्विवेदी सतना चयनित टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। सतना से विद्या किरण के लिए मनीष द्विवेदी की रिपोर्ट। आज सिंधु विद्यालय में किट वितरण का समारोह किया गया था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय शिव भैया, इस विद्यालय की प्राचार्या मैम और व्यवस्थापक सर आदरणीय व्यास सर, कई वरिष्ठ खिलाड़ी उपस्थित रहे, जिनके बीच लगभग 35 बच्चों को किट वितरण किया गया, जो कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता डबरा में होने जा रही है। सतना जिले के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जीत के आने का एक हौसला दिया है बच्चों को। इसी आशा और विश्वास के साथ हम सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई दिए।